ड्रॉ करो स्टेप CDF। क्या डिफरेंस आ रहा है? एक काम करो, इसको जूम पे क्लिक करो और फिर मैक्सिमाइज करो, फिर देखो सही आ रहा होगा। मतलब वो ग्राफिक मतलब प्लॉट विंडो थोड़ा मतलब अलग साइज का होता है ना, पिक्सल का होता है, अलग ही आ रहा है, देखते हैं बाद में देखते हैं। ठीक है, पी हाइपर क्या होता है? तो अपने चार लेटर पढ़ते हैं, DPQR, राइट। सक्षम, आई विल गेट बैक टू, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो चार चीज पढ़ते हैं। डी किसके लिए होता है? इक्वल टू प्रोबेबिलिटी के लिए। पी किस चीज के लिए होता है? लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी के लिए भी होता है, लोअर टेल फॉल्स। तो इसमें समझ में क्या नहीं आया बताओ मुझे? देखो, सो जो बाकी के तीन आर्ग्यूमेंट्स है ना, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, किस एक्स पे ग्रेटर या लेस देन इक्वल टू निकालना है, वो पहला आर्ग्यूमेंट। क्यू क्या लिखा है उन्होंने? पहला वाला ये ना, एक्स कॉमा क्यू, तो वेक्टर ऑफ क्वांटाइल रिप्रेजेंटिंग। हाँ, तो वही कर रहे हो ना कि नंबर ऑफ सक्सेस मेरे ग्रेटर देन टू है, मैं वो कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पी हाइपर जब कर रहे हो, आर को समझ में आ गया, वो जो आप पहला आर्गुमेंट दे रहे हो ना एक्स और क्यू, उस पर इक्वल टू नहीं निकालना है, या तो लेस देन इक्वल टू निकालना है, ग्रेटर देन निकालना है। ठीक है, लोअर टेल ट्रू है, डिफॉल्ट है, तो लेस देन इक्वल टू निकालना है, ग्रेटर देन दे दिया, फॉल्स दे दिया, तो ग्रेटर देन निकालना है। ठीक है, सक्षम अबाउट MF रो वाला थिंग। सो याद करो, हमने यहाँ पे 2x2 ग्रिड में डिवाइड किया ना अपने प्लॉटिंग विंडो को, क्योंकि अपने को चार ग्राफ साइमल्टेनियसली बनाने थे, तो उसके लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करते हैं, पार ऑफ MF रो इक्वल C2x2। ठीक है, उससे क्या होता है, 2x2 ग्रिड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और चार ग्राफ साइमल्टेनियसली बन जाते हैं। उसको रीसेट करने का तरीका गया बाद में, पार MF रो C1,1 कर दो, सो दैट नाउ योर ग्राफिक विंडो हैज बीन रीसेट टू अ 1x1 ग्रिड, व्हिच इज द होल ग्रिड, होल थिंग विल बी यूज्ड फॉर प्लॉटिंग द नेक्स्ट टाइम। समझ आया? दिक्कत कोई उसमें? नहीं समझ में आया कि दिक्कत नहीं है? बताओ, जस्ट अनम्यूट एंड टेल मी गाइस, क्या दिक्कत है बताओ? गॉट इट, परफेक्ट। ठीक है, चलो, आपका सही हुआ कि अभी भी दिक्कत है? हो गया, चलो बढ़िया। पी हाइपर समझ में आ गया, ऑल गुड। स्टेप CDF ट्राई किया? ट्राई करो, नहीं याद है कोई नहीं। स्टेप CDF के लिए अपने क्या यूज, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, ये याद है? प्लॉट फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, अब प्लॉट फंक्शन में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों देने हैं। थिंक अबाउट इट, यू आर मेकिंग ऑन अ ग्राफ पेपर, तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों एक टेबल में लिख के बनाते थे ना, तो यहाँ पे एक वेक्टर पहले बना लो एक्स कोऑर्डिनेट का, दूसरा वेक्टर बना लो वाई कोऑर्डिनेट का। ठीक है, चलो बना लेते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एंड वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, लिखो। या केवन, सर, जो हम स्टेप CDF ग्राफ बना रहे हैं हाँ उसमें एक्स का रेंज क्या हम 0 to 5 ले सकते हैं? हाँ क्योंकि हमने एकदम 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 सही कहा आपने। अब 0 to 5 ही लेंगे, क्योंकि अब स्मॉल एन तो एक ही है ना, 5 यस सर, थैंक है ना, यू। परफेक्ट। तो यहाँ पे तो एक्स का रेंज क्या होगा, 0 से 5 ही होगा ना, क्या हुआ? हाँ, अब यहाँ पे अपने को चार नहीं करना है ना, अब तो एक ही ग्राफ बनाना है, राइट। वहां पे चार करना, तो चारों को अकोमोडेट करने के लिए अपने 0 से 20 लिया था। ठीक है, और वाई क्या होगा CDF के लिए, कौन सा फंक्शन यूज करोगे? पी हाइपर ऑफ दिस टाइम एक्स कॉमा के कॉमा कैपिटल एन माइनस के कॉमा 5, या देन आई सिंपली डू प्लॉट ऑफ एक्स कॉमा वाई। देखो एक बार बस स्क्रीन देखो, क्यों CDF लिखा ना, CDF तो लेस देन इक्वल टू होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ है, स्टेप्ड बना बाय डिफॉल्ट, कैसे बनेगा? टाइप करके एक आर्गुमेंट होता है प्लॉट फंक्शन में, जिसमें मल्टीपल टाइप्स अपने यूज कर सकते हैं। अगर आप हेल्प में जाके प्लॉट फंक्शन में जाते हैं, प्लॉट डॉट डिफॉल्ट में, ठीक है, यहाँ पे देखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड टाइप। ओके, यू हैव वेरियस टाइप्स हियर, पॉइंट्स, एल फॉर लाइन, बी फॉर बोथ पॉइंट्स एंड लाइन, ओ फॉर ओवर प्लॉटेड, एस फॉर स्टेयर। अपने क्या यूज करेंगे? एस, क्योंकि अपने को स्टेयर्स चाहिए या स्टेप्ड चाहिए। ठीक है, तो टाइप इक्वल्स एस, या व्हाट एल्स, एक्सलैब वाइलैब, राइट। एक्सलैब गया अपना यहाँ पे नंबर ऑफ क्वालिफाइड पीपल,
नंबर ऑफ क्वालिफाइड पीपल, या व्हाट्स वायलैब, वायलैब इज व्हाट, सीडीएफ, या एंड सॉरी दोनों कर सकते हो, एक ही आउटपुट आता है वहां पे, स्मॉलेस्ट और कैपिटलेस्ट दोनों लिखा हुआ है, ठीक है। मेन क्या है, सीडीएफ ऑफ हाइपरजियोम, या एंड देयर यू गो, यू गेट अ स्टेप ग्राफ। एनी क्वेश्चंस, टेल मी, कोई भी दिक्कत है तो बताओ। ऑल गुड, चलो लेट्स टुगेदर नेक्स्ट पार्ट देन। कैलकुलेट द अपर क्वार्टाइल ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप सिलेक्टेड हु हैव द पॉपुलेशन। अपर क्वार्टाइल मतलब व्हाट परसेंटाइल, 75th, थ्योरेटिकल निकालना है। व्हाट फंक्शन डू आई यूज, क्यू, पढ़ लो सब क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द अपर क्वार्टाइल, है ना। अपर क्वार्टाइल मतलब 75th परसेंटाइल, थ्योरेटिकल निकालना, सैंपल जनरेटी कहाँ हुआ है, राइट। अगर कहता कि एम्पेरिकल निकालो, ये निकालो, अभी तक कुछ कहा ही नहीं है, तो मतलब थ्योरेटिकल। कौन सा फंक्शन, क्यू हाइपर, या सो क्यू हाइपर ऑफ, अब पहला आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 0.75, परफेक्ट, कॉमा के, कॉमा कैपिटल एन माइनस के, कॉमा 5, सॉरी, हाँ थैंक यू। So you've got your 3 as your upper quartile, right? All good. Let's look at the next part then. Dekhte hain next part kya hai. Obtain 2000 simulations of the number of people who have the qualification in the group selected using a seed of 67. Kaun se do function use honge? पहले सेट डॉट सीड एंड देन आर हाइपर। आर हाइपर में नंबर ऑफ सिमुलेशंस कितने होंगे, 2000, कॉमा के, कॉमा कैपिटल एन माइनस के, कॉमा स्मॉल एन, कॉमा 5, राइट। यू गेट दो सिमुलेशंस, या वंस यू हैव गॉट दो सिमुलेशंस, पार्ट 6 में एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 2, पार्ट 7 में सैंपल एंड वो मीन एंड अपर क्वार्टाइल कंपेयर करना, कर लो। टेक 5 मिनट्स, डू इट योरसेल्फ नाउ। 5 मिनट्स मैंने ज्यादा कह दिया, 2 मिनट में करना। पार्ट 6 समझना है, फिफ्थ, फिफ्थ में क्या था, अपर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल मतलब Q3 75th परसेंटाइल। कल इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या था याद करो, Q3 माइनस Q1 क्या था ना, कौन सा फंक्शन यूज किया था, क्यू वाला, क्यों, क्योंकि क्यू क्या करता है, करेक्ट। सो इट बेसिकली हेल्प्स यू टू कैलकुलेट, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दे हैव गिवन यू अ पी, इट हेल्प्स यू कैलकुलेट द स्मॉल एक्स, या If I talk about upper quantile, can I say that it is probability of capital X less than equal to something something is equal to 0.75, yeah? So, कौन सा function use आएगा बताओ? Q hyper, that's all. I'm disconnecting this for a bit, just give me a moment. ठीक है, ये सही है ना? 3 आया, yes. Just give me a moment. करो वो simulation generate करो. People on the call, any doubts, any questions at any point of time, just feel free to interrupt. कोई भी दिक्कत है तुरंत बताओ. हो गया क्या सबका? नेक्स्ट 3 पार्ट ट्राई करना है सबको खुद, हमने पहले किया है ये 6, 7, 8, देयर इज नथिंग वी हैव नॉट डन टिल नाउ।
हुआ। वेलकम सी माई स्क्रीन, या दिख रहा है स्क्रीन? चलो देखते हैं पहले क्या करना है। सेट डॉट सीड ऑफ 67, या देन मैंने कहीं स्टोर कर लिया अपने सैंपल्स, राइट, यूजिंग व्हाट आर हाइपर ऑफ 2000 कॉमा के कॉमा कैपिटल एन माइनस के कॉमा 5। या एक बार सम ऑफ S1 करके देख लो, आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। देन पाथ 7 में क्या कर रहे हैं, आई एम टेकिंग एक्स ग्रेटर देन 2, कौन सा फंक्शन बताओ, लेंथ ऑफ या डिवाइडेड बाय, ये क्लियर है ना सबको, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत है? आई एम रशिंग अ बिट, बट कोई भी दिक्कत हो फील फ्री टू इंटरप्ट एट एनी पॉइंट इन टाइम, या कूल। पार्ट 8 कंप्राइज ऑफ कंपेयर द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स। अच्छा यहाँ ऊपर में भी कंपेयर एंड कमेंट था, तो जाओ ऊपर जाओ, क्या था वहां पे, ये पी हाइपर 0.53, क्या है, स्लाइटली ऑलमोस्ट मतलब स्लाइटली लोअर, ठीक है, यस ऑर नो, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, मीन एंड अपर क्वार्टाइल, या लेट्स कैलकुलेट मीन ऑफ S1, पहले मैंने सैंपल का कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। मीन ऑफ हाइपरजोमेट्रिक क्या होगा, अपने को पता है क्या? अच्छा मीन ऑफ वो क्या होता है बताओ, बाइनोमियल, हाँ NP, यहाँ भी वही करना है, P क्या होगा, बस K/N, ठीक है कर लो वही है अपना, एज सिंपल एज दैट। तो N इनटू कैप स्मॉल K बाय कैपिटल N, समझ में आया ना लॉजिक, समझ में आया? यहाँ पे मीन के बीच में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, NP है, ठीक है। कौन सा एन, हाँ तो छोटा एन होगा ना, बाइनोमियल में एन कौन सा एन था, तो स्मॉल था, तो स्मॉल होगा, स्मॉल एन इनटू पी। अब पी के कैलकुलेशन में कैपिटल पी यूज हो रहा है, वो बात अलग है। हाँ यहाँ तक सही है, तो सैंपल का मीन स्लाइटली लोअर देन द एक्चुअल मीन, राइट, बताओ कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, सही है ना। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, देन क्या कह रहा है, अपर क्वार्टाइल कैलकुलेट दी अपर क्वार्टाइल, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे सैंपल के लिए, क्वांटाइल फंक्शन, राइट, सो क्वांटाइल ऑफ S1, 0.75 माइनस क्वांटाइल ऑफ S1, 0.25, दैट गिव्स यू द इंटर क्वार्टाइल रेंज फॉर दी, सॉरी अपर क्वार्टाइल ही करना था, हाँ ठीक है। थ्री ऊपर भी 3 आया था, सेम है, ठीक है, ऑल गुड। नीचे वाला सही है यार, ये 1 वाला गलत है, ठीक है 3 सही है। अगर लग रहा हो, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग अब ये कर रहे हो, तो थोड़ा सा हाथ बैठ गया, तो आई एम रशिंग अ बिट, अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू फील दैट पॉज, बोलो आराम से कराओ, ठीक है मैं और आराम से कराऊंगा, कूल आगे बढ़े। यहाँ तक हो गया ना, सबका आंसर मैच हो रहा है, बताओ कौन से वाले में दिक्कत आ रही है, बताओ मीन का आंसर मैच नहीं करा, एक काम करो सेट डॉट सीड में जाओ, सेट डॉट सीड पहले रन करो, फिर S1 R hyper वाला ठीक उसके बाद रन करो, उसका सम ऑफ S1 देखो क्या आ रहा है, अब मीन कैलकुलेट करो, यही आना चाहिए, नीचे आओ, सही आ गया। तो हुआ क्या होगा, आपने पहले सेट डॉट सीड रन किया, फिर S1 R hyper रन किया, फिर वापस S1 R hyper रन कर दिया, तो हमारे सेट डॉट सीड के बाद पहले बार ही आंसर सेम आएंगे, दूसरी बार वापस कुछ और आ जाएगा, ठीक है, मतलब हमारे पहले वाले सारे आंसर सेम होंगे, दूसरे वाले भी सारे आंसर सेम होंगे, दूसरे वाला भी प्योरली रैंडम नहीं है, समझ में आया? क्योंकि दूसरे वाला भी अपना सबका सेम आएगा, पहला वाला सेट सेम आएगा, दूसरे वाला सेट सेम आएगा, ओके कूल।
लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट देन. क्या कह रहा है पार्ट 9 में, ड्रॉ लाइन ग्राफ ऑफ द बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन टू द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द नंबर ऑफ सिलेक्टेड पीपल हु हैव क्वालिफिकेशन सुपर इम्पोज एक्चुअल. पार्ट ए और बी पढ़ो, ठीक है, पार्ट सी नहीं पढ़ना अभी. पहले क्या कह रहा है, ड्रॉ अ लाइन ग्राफ ऑफ द बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन द प्रोबेबिलिटीज ऑफ नंबर ऑफ पीपल सिलेक्टेड हु हैव द क्वालिफिकेशन. बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन वाला एन लेना, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन वाला स्मॉल पी लेना. एक्स एक्सिस पे रेंजेस ऑफ एक्स लेना, वाई एक्सिस पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन वाला पीडीएफ प्लॉट करना. पीडीएफ प्रोबेबिलिटीज बोला ना, प्रोबेबिलिटीज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल सिलेक्टेड. कुछ कहा कि क्यूमुलेटिव लो या वैसा कुछ लो, तो मतलब पीडीएफ नंबर ऑफ क्वालिफाइड पीपल विच इज स्मॉल एक्स, राइट. कैपिटल सॉरी वाई एक्सिस पे वाई क्या होगा, पीडीएफ, बट अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन नॉट हाइपरजोमेट्रिक. ये समझ में आया? कैसा ग्राफ ड्रॉ करना है, बार प्लॉट करना है क्या, लाइन ग्राफ करना है. लाइन ग्राफ के लिए अभी तक कौन सा यूज किया, लाइंस क्या करता है, ओवर प्लॉट कर देता है. अपने को क्या करना है, ए बी लाइन भी ओवर प्लॉट कर देता है, नॉर्मल प्लॉट कर सकते हैं. प्लॉट में अभी तक हमने टाइप एस किया है विच इज फॉर स्टेप्ड, टाइप एल कर देंगे विच इज फॉर लाइन. कर लो, तो प्लॉट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट चाहिए. डिफाइन करते हैं, एक्स इक्वल्स व्हाट, 0:5, या वाई इक्वल्स व्हाट, बताओ वाई क्या होगा यहाँ पे, पीडीएफ होगा. बस सही, डी बाइनोम ऑफ एक्स कॉमा एन कॉमा 5, P, विच इज अपने ऊपर स्टोर करके रखा है हमने शायद ये 30/58P में, देखो कहीं तो किया था ये, देखो P स्टोर करके रखा ना, तो मैं वो ही P यूज कर लूंगा, मैं स्मॉल n कॉमा P यूज करूंगा, ठीक है. स्मॉल n में 5 स्टोर्ड है, P में 30/58 स्टोर्ड है. ओके, ऑल गुड. चलो अब तो आप प्लॉट विंडो को बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि प्लॉट करना है. प्लॉट ऑफ एक्स कॉमा वाई, या क्या करना है, बट यहाँ पे टाइप इक्वल्स एल वाई बिकॉज लाइन ग्राफ बनाना है, ठीक है. एक और चीज मैं करूंगा, मैं जानता हूँ इस ग्राफ में और दो चीज आने वाली है, ठीक है, तो कंपेरिजन के लिए आई पुट द कलर डिफरेंट इज वेल. या इस पे कुछ सुपर इम्पोज करना है ना, पार्ट बी में देखा था ना, तो इसी पे कुछ सुपर इम्पोज करना है, दोनों का कलर डिफरेंट रखूंगा तो कंपेरिजन के लिए ईजियर होगा. तो आई पुट से कलर इज वॉट रेड. या वॉट एल्स कैन आई डू, मेन पी डी एफ, राइट. कुछ सुपर इम्पोज होने वाला है तो मैं पीडीएफ ऑफ हाइपरजोमेट्रिक नहीं, मतलब बाइनोमियल नहीं लिखूंगा अभी, ठीक है. एक्स लैब में क्या है, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स, सॉरी नॉट नंबर ऑफ सर्वाइवर्स, नंबर ऑफ क्वालिफाइड पीपल, या एंड वाई लैब इज व्हाट, पीडीएफ, ठीक है. एक काम कर सकते हैं, इसको टाइप इक्वल्स ओ कर दूं. ओवर प्लॉट से क्या होता था, डॉट भी आ जाता था, कंपेयर करना और इजी हो जाएगा. यस और नो, लाइन तो है, लाइन ग्राफ हो गया जो क्वेश्चन ने कहा, बस डॉट भी आ गया तो अपने लिए कंपैरिजन और इजी हो जाएगा. या सही है, वापस बोलो. टाइप टाइप ओप में मतलब लाइन प्लस ओवर पॉइंट, ठीक है. अच्छा इस पे क्या कहा है, सुपर इम्पोज द एक्चुअल हाइपोजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटीज. क्या सुपर इम्पोज करना है, कह रहा है सुपर इम्पोज द एक्चुअल हाइपोजोमेट्रिक, तो हाइपोजोमेट्रिक का पीडीएफ सुपर इम्पोज कर देना है. यस और नो, कौन सा फंक्शन सुपर इम्पोज के लिए, लाइंस, ए बी लाइन तो स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन ही ना, ये ऐसा ऐसा लाइन है, राइट. वापस एक्स एंड वाई, एक्स सेम रहेगा, वाई क्या हो जाएगा, डी हाइपर, मैं डायरेक्ट यहां लिख दे रहा हूँ, वापस वाई डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना. क्या है, एक्स कॉमा के कॉमा कैपिटल एन माइनस के कॉमा स्मॉल एन. यस आई विल गिव अ डिफरेंट कलर, कलर इक्वल्स ब्लू, सो दैट आई नो कौन सा कलर वाला लाइन क्या है, ठीक है. टाइप क्या होगा, ओ, ठीक है, टाइप में ओ कर दूंगा, बाय डिफॉल्ट एल होता है, ठीक है,
देखो अभी मैं अगर ऐसे ही हटा देता हूँ इसको, ठीक है, देखो क्या हो रहा है, केवल लाइन आ रहा है, डॉट्स नहीं आ रहे हैं ना। अब मैं अगर यही टाइप इक्वल्स ओ कर दूं तो डॉट्स भी आ गए, ठीक है। तो प्लॉट देखो अब, लेकिन एक दिक्कत है, बताओ क्या दिक्कत है, क्यों डॉट से इजियर नहीं होगा? हाँ वो तो है, और क्या, ब्लू वाला लाइन देखो ऊपर कट रहा है ना, वो एक दिक्कत है। तो अपने को रेंज बढ़ाना होगा वाई एक्सिस का। क्यों रेंज बढ़ाना होगा, आज तक तो कभी ये दिक्कत नहीं हुई। सोचो आज तक ये दिक्कत हुई क्या कि रेंज कम? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो द वे आर वर्क्स इज वो लाइंस फंक्शन पे आपका एक्सिस का लिमिट्स डिसाइड नहीं करता है। वो जो बेस प्लॉटिंग फंक्शन है, जो फ्रेश प्लॉट हुआ, विच वॉज इन द केस व्हाट फंक्शन, प्लॉट फंक्शन, जो बेस प्लॉट था वो तो उससे ड्रॉ हुआ ना, वो उसमें मिनिमम एक्स मैक्सिमम एक्स, मिनिमम वाई मैक्सिमम वाई देखेगा और उस हिसाब से एक्सिस और एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के लिमिट्स डिसाइड कर देगा। उसको क्या पता बाद में क्या प्लॉट करने वाले हो, है ना। और लाइंस फंक्शन में वो इतनी मेहनत नहीं करता है कि वापस और एक्स एंड एक्स वाई एक्सिस का लिमिट चेंज करूं, ठीक है, तो वो काट देगा। तो अपने क्या करेंगे, विल गो बैक टू द वाई प्लॉट वाला फंक्शन एंड विल यूज सम आर्ग्यूमेंट देयर दैट विल हेल्प अस टू टेल एक्सिस टेल आर कि यही होगा मेरा अपना रेंज, ठीक है। एक्स का रेंज में मेरे को कुछ चेंज करना है, किस में चेंज करना है, देयर समथिंग कॉल्ड वाई लिम, ठीक है, इंट्यूटिव है नाम, वाई लिमिट, वाई लिम, ठीक है। वाई लिम इक्वल सी वॉट, कहाँ से शुरू करना है, मिनिमम 0 होगा है ना, हाँ कि ना, मैक्सिमम क्या कर दें, 0.4 ले लेते हैं, सही हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या दिक्कत है, बताओ किससे किससे डिसाइड कर सकते हैं, वाइलम से। हाँ ये एक आर्गुमेंट है जो आर अपने को दे रहा है कि पता है आप आगे करके कुछ और करोगे इस पे, ठीक है। अब मुझे तो नहीं पता, तो आप ये आर्गुमेंट ले लो जिससे आप अपने हिसाब से एक्सिस को रीशेप कर लो, ठीक है। ऑल गुड गाइस, टेल मी एनी क्वेश्चंस। हाँ, क्योंकि लाइन के ऊपर लाइन प्लॉट होगा, क्या होगा मतलब, एक बार फ्रेश फ्रेश कर लो। प्लॉट में तो क्या होता है, फ्रेश होता है, पुराना वाला मैटर ही नहीं करता है ना, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत बताइए, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट थोड़ा सा थ्योरेटिकल और इंटरेस्टिंग है, ये वाला अच्छे से कर लो, फिर अगले वाले पे आते हैं। क्या ऑल गुड, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट। चलो पार्ट सी अच्छे से ध्यान देना, एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। सुपर इम्पोज द एक्चुअल प्रॉबिलिटीज व्हेन 116 पीपल अप्लाई फॉर द जॉब विद द सेम पीपल हैविंग द पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन अगेन। सुपर इम्पोज द एक्चुअल प्रॉबिलिटीज व्हेन 116 पीपल अप्लाई फॉर द जॉब विद द सेम प्रपोर्शन हैविंग द पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन। शुरू में कितने लोगों ने क्वालिफाई किया था, मतलब अप्लाई किया था, ठीक है, कितने उसमें से, व्हाट प्रपोर्शन ऑफ पीपल हैड द क्वालिफिकेशन, 30/58, दैट वॉज द प्रपोर्शन ऑफ पीपल। तो अगर 116, 58 का डबल पीपल अप्लाई फॉर द जॉब, उसमें उस ग्रुप में से कितने लोग विल हैव द क्वालिफिकेशन, डबल लोग, 30 × 2 यूनिटरी मेथड, राइट, 30/58 × 116, 60, राइट। सो जनरलाइज मतलब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर द जॉब विद द सेम प्रपोर्शन हैविंग द पर्टिकुलर जॉब, अपने को क्वेश्चन में कह दिया, ठीक है, अपने अज्यूम नहीं कर रहे कहीं भी। तो इस 116 लोग में से 60 पीपल हैव द क्वालिफिकेशन एंड 56 डू नॉट हैव द क्वालिफिकेशन, सही है, बताओ हाँ कि ना, क्या क्या चेंज होगा अगर वापस हाइपर ज्योमेट्रिक के बारे में सोचो। आपका कैपिटल एन चेंज होगा, कैपिटल के चेंज होगा,
कैपिटल एन माइनस के चेंज होगा, स्मॉल एन सेम रहेगा ना, अभी भी पांच ही लोगों को ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, बस द नंबर ऑफ पीपल हु हैव अप्लाइड हैज चेंजेस, स्मॉल एन इज नॉट चेंजिंग इन द सेम प्रोपोर्शन, सॉरी, अब नंबर ऑफ पीपल जो ड्रॉ हो रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं क्या, तो स्मॉल एन क्यों चेंज होगा, तो और सब चीज 2x हो जाएगा और सब सही है, बट स्मॉल एन नहीं होगा, ये याद रखना बस, ठीक है। वापस इसी की प्रोबेबिलिटी इसी ग्राफ पे सुपर इम्पोज करनी है, ठीक है, इसी ग्राफ पे लिखा है ना सुपर इम्पोज एक्चुअल प्रोबेबिलिटीज, है ना, इसका मतलब उसी के ऊपर बनाना है, राइट, कर लो सुपर इम्पोज, ट्राई करो, कैसे करोगे, वापस लाइंस करेंगे ना, चलो लाइंस ऑफ, रिमेंबर टू यूज अ डिफरेंट कलर, ओके, आई विल कॉपी द सेम थिंग आउट फ्रॉम अबव, व्हाट चेंजेस इज ट्वाइस ऑफ के एंड ट्वाइस ऑफ एन माइनस के, आपने जैसे कहा मैंने दोनों को डबल कर दिया बस, और कुछ नहीं किया, क्योंकि अब क्वालिफाइड पीपल 30 के 60 हो गए, 30 का 60 हो गया, अनक्वालिफाइड 28 का 56 हो गया, है ना, हाँ कि ना बताओ, मैं कलर को भी थोड़ा चेंज कर दूंगा, मे बी आई प्लॉट इट विथ ग्रीन, या ग्रीन इज वेरी ब्राइट, इसको इसको एक काम करते हैं ब्लैक ही रहने देते हैं, ठीक है, तो रेड ब्लू ब्लैक हो गया, देखो आई जूम दिस आउट, रेड है, अच्छा एक चीज याद रखना, ब्लू इज आर एक्चुअल प्रोबेबिलिटी, सॉरी आपको कोड देखना, देख लो हो गया, व्हाट इज द एक्चुअल प्रोबेबिलिटी, सॉरी ब्लू, दैट इज द ब्लू इज हाइपरजोमेट्रिक, टेल मी, सो ब्लू इज योर एक्चुअल प्रोबेबिलिटी, या यस और नो, जो ब्लू लाइन है एकदम ऊपर वाली लाइन वो मेरी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, रेड जब है, जब 58 पीपल, जब अब रेड और ब्लैक दोनों बाइनोमियल के अप्रोक्सीमेशन है ना, है ना, सॉरी बीच वाला, एक सेकंड, तो एक सेकंड रुको, एक एक करके समझते हैं, तो रेड वाला क्या है, बाइनोमियल है, ठीक है, हाइपरजोमेट्रिक की दो एक्चुअल प्रोबेबिलिटीज है, ब्लू और ब्लैक वाली, है ना, ब्लू वाला क्या है, व्हेन सैंपल साइज इज 58, जहां जिसके बेसिस में आपने प्रोबेबिलिटी सोची, और ब्लैक वाला क्या है, जहां पे दैट सैंपल इज 116, एंड बाइनोमियल का एक बात बताओ सैंपल साइज क्या है, बाइनोमियल का सैंपल साइज सोचो, बाइनोमियल में कोई सैंपल साइज होता, बाइनोमियल में कोई सैंपल साइज होता भी है, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, मतलब एन टेंड्स टू इंफिनिटी, तो आप क्या अज्यूम कर रहे हो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, दैट एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी हाइपरजोमेट्रिक टेंड्स टू बाइनोमियल, है ना, देखो ब्लू से ब्लैक में क्या क्या, रेड है वेर एन इज वेरी लार्ज बाइनोमियल, है ना, ब्लू में क्या है, एन 58, सॉरी जो भी था टोटल नंबर 58 ही था, और ब्लैक में N116 था, और नीचे आया अप, और इट्स टेंडिंग टुवर्ड्स दैट, ओके, सो एज यू आर इंक्रीजिंग योर सैंपल साइज हाइपरजोमेट्रिक इज टेंडिंग टुवर्ड्स बाइनोमियल, या बिकॉज बाइनोमियल में आई नो एन टेंड्स टू इंफिनिटी, समझ में आया अब अच्छे से रिलेशन हाइपरजोमेट्रिक और बाइनोमियल के बीच का, बताओ कोई भी दिक्कत, लिख लो ये चीज, कही है? लिख लिया सबने, लिख लो अच्छे से,
ठीक है आगे बढ़े। चलो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड क्या एक्सरसाइज 2.09 देखो यहाँ पे। होम इंश्योरेंस कंपनी रिसीव्स क्लेम्स एट ए रेट ऑफ 2 पर मंथ। टाइम फ्रेम है, रेट है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? राइट पॉइजन। देयर अ टाइम फ्रेम, देयर अ रेट एट व्हिच इट अकर्स इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। सो दिस इज योर पॉइजन डिस्क्रीट, करेक्ट। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द, सो लैम्डा की वैल्यू क्या दी गई है, लैम्डा या म्यू जो भी आप लोगों को पढ़ाया गया था, लैम्डा। सो व्हाट इज दैट? टू। सो लैम्डा इक्वल्स टू, चलो मैं यहाँ पे नया पहले तो शीट बनाता हूँ, आई विल क्लियर एवरीथिंग आउट सो देयर नो डिस्ट्रैक्शंस। चलो अब आई विल से लैम्डा इक्वल्स टू, राइट, एक्सरसाइज 2.09। या लेट्स लुक एट पार्ट वन। ठीक है ना, लैम्डा टू है, एक्स फॉलोज पॉइजन लैम्डा, लैम्डा टू। फर्स्ट पार्ट क्या है, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स फोर। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी रिसीव्स फोर क्लेम्स इन अ मंथ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स फोर। या सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स फोर फ्रॉम स्क्रैच बोलो क्या होता है, पीडीएफ देखो क्या होता है, ई टू डी पार करने के लिए एक्स फंक्शन यूज करोगे, ई टू डी पार माइनस लैम्डा इन टू, सो लैम्डा टू डी पार एक्स डिवाइड बाय फैक्टोरियल फंक्शन यूज करोगे, फैक्टोरियल पहले मैं एक्स डिफाइन नहीं किया मैंने, एक्स इक्वल्स फोर, देन रन दिस यू विल गेट दिस प्रोबेबिलिटी। अच्छा गेस करो इसके लिए इनबिल्ट आर का फंक्शन क्या होगा, पीडीएफ निकालना है, डी ऑफ व्हाट, डी पॉइज, पॉइज करके, ठीक है, डी पॉइज करके यहाँ पे देख लो, डी पॉइज सही है। तो देखो एक्स कॉमा लैम्डा है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या करना है, डी पॉइज ऑफ एक्स कॉमा एल, बताओ क्या दिक्कत है, मतलब स्टार स्टार टू डी पार भी होता है, ठीक है, और वो ई टू डी पार माइनस एल है, वन नहीं है, लाइक आर हैज अ प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू सेइंग एल, ठीक है ना, वो ई टू डी पार ई माइनस एल है, वो वन दिखता है ना, वो है एल, है ना, ये जो है दिस इज एल नॉट वन, एल लैम्डा ना, एल है भाई, हाँ हाँ वो एल लिख रहे हो तो वन दिख रहा है, वन और एल लिखो तो थोड़ा डिफरेंट है, देखो वन लुक्स लाइक दिस, एल लुक्स लाइक दिस, ठीक है, तो फॉन्ट में जाके चेंज कर लो, हाँ हाँ फॉन्ट में जाके मैं भी चेंज कर लो, बट डिफॉल्ट फॉन्ट में देयर इज अ स्लाइट कंफ्यूजन। अब क्या तीन चार आ रही है, एल में वेक्टर, एल वेक्टर है क्या, एल या एक्स में किसी कोई वेक्टर होगा, एक्स वेक्टर होगा, आपने एक्स इक्वल्स फोर असाइन नहीं किया होगा, पहले एक्स इक्वल्स फोर असाइन कर लो, तो 0 to 5 सब में का आ रहा होगा, पहले एक्सरसाइज का एक्स यूज हो रहा है, ठीक है, टू डी पार, तो स्टार स्टार इज ऑल्सो टू डी पार, हाँ फैक्टोरियल एक्स, ठीक है, e to the power minus lambda into lambda to the power x by x factorial, all good, सही है, d पॉइज x कॉमा l से निकाल लिया, अब आगे क्या पूछेंगे, वही पूछेंगे, एक बार प्लॉट बना दो, एक लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी निकाल दो, स्टेप cdf निकाल लो, कुछ इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल लो, उसका ग्राफ बनाने बोलेंगे तो वो कर लो, पहले सिमुलेशन जनरेट कर लो, उसका सिमुलेशन के हिसाब से वो प्रोबेबिलिटी निकाल लो, कुछ ग्राफिकल कुछ और कह देंगे, ठीक है, चलो कर लेते हैं, पार्ट टू पे आते हैं, पार्ट टू क्या है, वापस वही 4x4 वाला है ना, ये खुद कर लोगे क्या, ठीक है, पार एम एफ रो 1/2/2, लैम्डा चेंज होता रहेगा 2, 5, 10, 20। अच्छा यहाँ पे एक्स का रेंज क्या लोगे मुझे बताओ, सोचो वापस, पॉइजन है, पॉइजन में एक्स का रेंज एल तक सीमित रहता है क्या, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी लेंगे क्या, नहीं ना,
जीरो टू 30 या 40 लेके देखो, प्रॉबिलिटीज ऑलमोस्ट खत्म हो रही है क्या? अगर खत्म हो रही है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा और बढ़ा देना। हाँ ग्राफ के कारण नहीं ले सकते क्या, मतलब अजीब लिखेगा ना। और ऐसे भी लैम्डा अगर 30 है तो ऑलमोस्ट 35 तक जीरो हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है कर लोगे ना, तो एक्स की वैल्यू 0 से 30 35 कर लोगे और फिर ये कर लोगे। कोई दिक्कत हो तो कल क्लास में बताना। ओके चलो, कैलकुलेट पार्ट 3 पे क्या, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी रिसीव्स एटलीस्ट 3 क्लेम्स इन अ मंथ यूजिंग द सीरीज। एटलीस्ट 3 मतलब परफेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। कौन सा फंक्शन यूज करूंगा मैं? पी पॉइस। तो पी पॉइस ऑफ व्हाट, नाउ टेल मी दैट। 3 कॉमा L लिख दूं क्या? ग्रेटर तो इस एग्जैक्टली तो अपने क्या लिखेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2, राइट? एंड देन आई विल राइट 2 कॉमा L एंड लोअर टेल फॉल्स। परफेक्ट ठीक है, समझ में आया। तो क्योंकि p वाला जो भी अपना फंक्शन होता है ना, DPQR में p वाला जो फंक्शन होता है वो ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है, ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी नहीं कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो पहले ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन में कन्वर्ट किया और फिर p पॉइंट यूज करके लोअर टेल फॉल्स कर दिया। नेक्स्ट पार्ट, अरे यार ये क्या हो गया, सही है। चलो स्टेप ग्राफ ऑफ द CDF खुद कर लोगे? ठीक है क्या करना है, मैं क्विकली दिखा देता हूँ। एक्स का रेंज क्या होगा यहाँ पे, व्हाट इज ये, तो मैं 0 से समझो 8 लूंगा, 8 में ही हो जाएगा। एंड देन CDF कह रहा है तो प्लॉट ऑफ एक्स कॉमा पी पॉइज ऑफ एक्स कॉमा एल, राइट? टाइप इक्वल्स एस एंड ऑल द ग्राफिकल आर्ग्यूमेंट्स, या ऑलमोस्ट 1 आ जाएगा, 2 है ना। देखो फ्लैट आउट हो जा रहा है ना, पहले ही फ्लैट आउट हो गया था, तो मैं 8 मतलब विद टाइम यू विल रियलाइज कि कहाँ जाके फ्लैट आउट होगा। आप 10 भी ले सकते हो, ठीक है, आगे जाके यू विल लर्न कॉन्सेप्ट सच एज स्क्यूनेस एंड स्टफ, जिससे समझ में आएगा कि पॉइजन हैज अ पर्टिकुलर स्क्यूनेस जिसकी वजह से जल्दी रन ऑफ हो जाता है प्रॉबिलिटीज। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट राइट नाउ, यू विल गेट दैट इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग विद टाइम। ओके, व्हाट्स पार्ट 5? पार्ट 5 इज कैलकुलेट इंटरक्वार्टाइल रेंज। बताओ कैसे करोगे, कौन सा फंक्शन यूज करोगे इंटरक्वार्टाइल रेंज? पॉइजन का इंटरक्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करना है, कौन सा फंक्शन यूज करोगे बताओ? पी। तो हाँ DP-R, क्यू DPQR, ये याद कर लो ये 4 लेटर। ठीक है DPQR वही वाला ना, लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दी गई है अपने को स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालना है ना, राइट? तो क्यू पॉइज ऑफ 0.75 कॉमा L माइनस क्यू पॉइज ऑफ 0.25 कॉमा L, या दैट गिव्स मी माय इंटरक्वार्टर रेंज Q3 माइनस Q1 75th माइनस 25th परसेंटाइल, या ऑल गुड। पार्ट 6 देखते हैं। सिमुलेट द नंबर ऑफ क्लेम्स 2000 सेटिंग सीट दिस, प्लॉट अ हिस्टोग्राम। 2000 क्लेम निकालना है सेट डॉट सीट 77 के बाद और उसका हिस्टोग्राम बना देना है। चलो कर लो, तो सबसे पहले क्या, सेट डॉट सीट 77, देन S1 इक्वल्स R पॉइस, क्योंकि सिमुलेशन जनरेट कर रहे हैं 2000 बार विथ L। सम ऑफ S1 करके देख लो, ये आ रहा है ना, अच्छा एक एग्जाम में तो आप किसी और से वेरीफाई नहीं कर सकते हो ये वैल्यू है ना, तो एक सेंस चेक क्या हो सकता है इस नंबर का, कोई बता सकता है कि चार ये किस नंबर के आसपास होना चाहिए था? एनी आइडियाज? सोचो थोड़ा सोचो। अब मेरा आया सम ऑफ S1 4012, राइट? कैवन 4000 के पास होना चाहिए था, किसी ने कहा 4000 के पास होना चाहिए, क्यों वो 4000 के पास होना चाहिए? अच्छा ऑन एन एवरेज एक वैल्यू क्या होगी पॉइजन में, मीन क्या है, मीन ऑफ पॉइजन, तो ऑन एन एवरेज एक वैल्यू 2 होगी ना, लैम्डा इज योर मीन, एग्जैक्टली कैवन राइट है ना। टोटल 2000 वैल्यूज हैं, तो एक्सपेक्टेड
सम क्या होगा, 2000 इंटू 2 4000, तो 4000 के आसपास है, तो आई एम हैप्पी कि ठीक है सही लग रहा है, अप्रोक्सीमेट हुआ क्योंकि रैंडम सिमुलेशन है, तो आर पॉइजन 1000 को मैं एल किया होगा, तो वापस जनरेट करो, वन हो गया था ना, समझ में आया, सेंस चेक किया है एक, अच्छा ऑल गुड। चलो फिर क्या कह रहे हैं इसी पार्ट में, कह रहे हैं हिस्टोग्राम बना दो, हिस्ट ऑफ S1 बना लेते हैं, इसमें एक आर्ग्यूमेंट यूज करोगे, बताओ क्या यूज करोगे, यूज वन इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट इज द हिस्ट फंक्शन, व्हाट इज दैट आर्ग्यूमेंट, ब्रेक्स राइट, ब्रेक्स ऑफ मिनिमम माइनस 0.5 इज टू मैक्सिमम प्लस 0.5, याद है मिनिमम मैक्सिमम कहां से निकालोगे, समरी ऑफ S1 कर लो, ठीक है दिख जाएगा मिन मैक्स क्या है, ठीक है, तो मिनिमम है 0 तो माइनस 0.5 इज टू मैक्सिमम है 8 तो 8.5, मेक सेंस, बताओ कोई भी दिक्कत, कोई दिक्कत है बताओ क्या दिक्कत है, सही है, थोड़ा सा धीरे करना ठीक है, हाँ 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 समझ में आ रहा है ना, समझने में कोई भी दिक्कत है तो वो बताओ, स्लो फास्ट होता रहेगा विद टाइम यू विल बिल्ड द स्पीड, बट अंडरस्टैंडिंग में देयर शुड बी नो गैप, कोई भी दिक्कत हो इंटरप्ट आस्क देन मूव ऑन, ये मत सोचना आगे क्लियर हो जाएगा, वो कभी नहीं होता फिर, ठीक है लैम्डा राइट, इसमें एक ही पैरामीटर है ना जस्ट हैव लैम्डा के बेसिस पे, हाँ, तो यहाँ पे भी एक बात बताओ, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी दिया था हमने, कहीं प्रोबेबिलिटी दिया था बाइनोमियल में, हाँ हो सकता है थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हाँ सर, हाँ हाँ सर इन बोलो, द समरी आई एम गेटिंग मैक्स एज 5, मैक्सिमम नंबर आई एम गेटिंग 5, ओके एक काम करो, टेट डॉट सीड और S1 दोनों एक के बाद एक वापस रन करो, और फिर वापस समरी और S1 करो, देन आई थिंक यू शुड गेट द राइट आंसर, वन या बात बताओ आपका नाम क्या है, मैं भूल गया, कार्तिक है, हाँ तो बाइनोमियल में आपने कहीं प्रोबेबिलिटीज दी थी, एक्स इक्वल 0 एक्स इक्वल 1 कुछ दिया था जब सिमुलेशंस बना रहे थे, नहीं नहीं सर, दिया था ना, नहीं दिया ना, तो बस एन और पी पैरामीटर्स दिए थे, उसका एन और पी वो था, है ना, अब इसमें एक ही पैरामीटर है तो वो देना काफी है, बाइनोमियल में बस एन पी दिया था, आर बाइनोम ऑफ 2000 कॉमा एन कॉमा पी, वो उसका एक पैरामीटर है, ठीक है, अब पॉइजन में प्रोबेबिलिटी करके कोई पैरामीटर नहीं होता है, ठीक है बस लैम्डा होता है, अपने आप वो प्रोबेबिलिटी निकाल लेता है बैकग्राउंड में, ठीक है ठीक है, सॉरी किसका दिक्कत आ रहा था मैं भूल गया, यहाँ पे कॉल पे इसने अभी नहीं भी कहा था, अनिल इट वाज यू राइट, आपका यस नहीं आ सर, रहा था, अभी भी नहीं आ रहा समरी ऑफ S1 में मैक्सिमम 5, मैक्सिमम 8, अरे मैक्सिमम 5 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा, हाँ अभी भी मैक्सिमम 5 आ रहा है, आप एक बार अपना कोड चैटबॉक्स में भेजोगे, मैं देख लेता हाँ हूँ, सर, हाँ आप एक बार हाँ अपना कोड चैटबॉक्स में भेजो जो आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हो, और एल की वैल्यू एनवायरमेंट में देखना, 2000 कॉमा एल कर रहे होगे ना आर पॉइज में, तो एल की वैल्यू एक बार देखना, हाँ सर, 8 मिनट, हाँ कूल cool.
इन द मीन वाइल आई विल मूव अहेड, ओके अनिल? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? वही एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी निकालो, एटलीस्ट 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। कैसे निकालोगे? फॉर द सिमुलेशंस गाइस, कैलकुलेट दैट आउट नाउ, यू ऑल नो इट। कौन सा फंक्शन? लेंथ, राइट? लेंथ ऑफ S1, वेर S1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 डिवाइड बाय लेंथ ऑफ S1, या लेट्स कंपेयर विद द थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, या क्या हो रहा है? स्लाइटली लोअर, राइट? ऑलमोस्ट सेम, स्लाइटली लोअर। अनिल, आई हैवंट गॉट योर कोड ऑन द चैट बॉक्स येट। Yes, sir, I got the answer. गॉट द I आंसर? did some परफेक्ट semester. Yes. परफेक्ट, चलो बढ़िया, सही है ना? क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत आ रही है? इक्वल्स टू नहीं आ रहा था? चलो बढ़िया, 3165 ही तो है, ठीक है। हाँ, पार्ट एट देखते हैं। पार्ट एट क्या है? कंपेयर द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सिमुलेटेड वैल्यूज। तो थ्योरेटिकल और सैंपल, या एम्पेरिकल, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इंटरक्वार्टर रेंज निकालना है, निकाल लो। तो पहले तो एस डी ऑफ S1 करोगे, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? पॉइजन। पॉइजन का क्या होता है बताओ? अंडर रूट ऑफ लैम्डा। यहाँ पे मीन इक्वल्स वेरियंस इक्वल्स लैम्डा होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ लैम्डा, तो स्क्वायर रूट ऑफ एल। तो क्या कमेंट कर सकते हो? एस डी ऑफ S1 इज 1.39 वर्सेस 1.414, सो व्हाट डू यू कमेंट हियर? क्या चीज? स्टैंडर्ड डेविएशन और द स्प्रेड ऑफ द डेटा इन द सैंपल इज स्लाइटली लोअर देन एज कंपेयर टू द थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, या परफेक्ट। पार्ट और क्या? इंटरक्वार्टाइल रेंज। सैंपल का इंटरक्वार्टाइल रेंज कैसे निकालोगे? कौन सा फंक्शन यूज करोगे? निकाल लो, क्वांटाइल ऑफ S1, 0.75 माइनस क्वांटाइल ऑफ S1, 0.25। और वही चीज आई थिंक हमने निकाली थी क्या क्यू पॉइंट्स के लिए ऊपर कहीं? हाँ निकाला था, मैं वही देख रहा हूँ, सेम आ रहा है। देखो इंटरक्वार्टर रेंजेस आर द सेम, या ऑल गुड? लेट्स लुक एट द लास्ट पार्ट। आई वॉन्ट यू ऑल टू एटलीस्ट ट्राई अटेम्प्टिंग दिस पार्ट ऑन योर ओन। आई डोंट एक्सपेक्ट यू ऑल टू गेट दिस डन ऑन योर ओन, ठीक है? एक बहुत सिमिलर हमने परसों किया था, बट एग्जैक्टली सेम नहीं किया था, ठीक है? कर लो तो बढ़िया, नहीं कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कोशिश करो, ठीक है? टेक कपल ऑफ मिनट्स एंड ट्राई टू डू दिस ऑन योर ओन, ओके? जस्ट द नाइन्थ पार्ट। द नाइन्थ पार्ट खुद ट्राई करो। आपने परसों की रिकॉर्डिंग देखी थी क्या? नहीं क्या? नहीं क्या? कोई बात नहीं, तो हो सकता है ये पार्ट आप मतलब समझने की कोशिश करो, बट हो सकता है दिस वोंट कम नेचुरली टू यू, ओके? आई। सोचो, देखो प्लॉट जब भी आए ये सोचो कि एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है।
अच्छा अगर मैं कहूँ ए अगेंस्ट बी, प्लॉट ए अगेंस्ट बी, तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे क्या होगा, ये बताओ। दोनों ने सीखा। तो अगर मैं कहता हूँ प्लॉट ए अगेंस्ट बी, तो मैं कहता हूँ कि ए वाई एक्सिस पे हो और बी एक्स एक्सिस पे हो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। और क्या भाषा यूज हो सकती है, ए ऑन एक्स, ए ऑन बी यूज हो सकता है, ठीक है, ए अगेंस्ट बी हो सकता है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे एवरेज ऑफ फर्स्ट आई सिमुलेशंस है और एक्स एक्सिस पे आई है, ये समझ में आया। अब ये समझो कि आई का मतलब क्या है यहाँ पे, द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू, अब आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, प्लॉट तो आप कर लोगे बाद में, सबसे पहले ये तो फिगर आउट करो कि एक्स और ये एवरेज ऑफ सॉरी ये आई क्या है ना। अच्छा, इफ आई एम सेइंग द फर्स्ट आई सिमुलेशंस, राइट, पहले कुछ सिमुलेशंस, राइट, सो व्हाट कैन बी ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई, हाँ, आप फर्स्ट वन सिमुलेशन ले सकते हो, फर्स्ट 10 सिमुलेशन ले सकते हो, फर्स्ट 100 सिमुलेशन ले सकते हो, फर्स्ट 1500 सिमुलेशन ले सकते हो, फर्स्ट 2000 सिमुलेशन ले सकते हो, राइट, सो दोज आर द पॉसिबल वैल्यूज दैट आई कैन टेक, द कोई भी एक रैंडम नंबर आई, ठीक है, सो यू कैन टेक फर्स्ट 1 सिमुलेशन, यू कैन टेक फर्स्ट 10 सिमुलेशन, फर्स्ट 100,000, 1500, 2000, राइट, ऑल दोज नंबर्स, या तो वाई है क्या, पहले बार है जस्ट द फर्स्ट सिमुलेशन एंड द एवरेज ऑफ दैट, दूसरी बार क्या है द फर्स्ट 2 सिमुलेशंस द एवरेज ऑफ दैट, फिर फर्स्ट 3 सिमुलेशंस एवरेज ऑफ दैट, 100वीं बार क्या है फर्स्ट 100 सिमुलेशंस एवरेज ऑफ दैट, 1000th टाइम क्या है फर्स्ट 1000 सिमुलेशंस एवरेज ऑफ दैट, दैट इज वाई 1000, लास्ट वैल्यू क्या है 2000th वैल्यू, सारी वैल्यूज ऑफ S1, राइट, क्योंकि फर्स्ट 2000 सिमुलेशन इज इफेक्टिवली ऑल वैल्यूज, एवरेज ऑफ दैट दैट बिकम्स वाई 2000, यस और नो, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ इट विल एक्चुअली बी डन, मैं कह रहा हूँ अगर बहुत ही क्रूड वे में अगर इसको मुझे आर में करना होता मैं क्या करता, मैं सबसे पहले वाई एक डमी वेक्टर बना देता जिसमें 1000 प्लेस होल्डर्स हैं, 2000 प्लेस होल्डर्स हैं, तो आई एम जस्ट स्टोरिंग 2000 जीरोज हियर, रिपीट 0,2000 की 2000 बार जीरोज आ गए, मेरे पास एक ऐसा वेक्टर है जहां पे मैं वाई की सारी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है, ओके, ऐसी डमी, कोई मतलब नहीं है उसका, डमी है, ठीक है, वाई की पहली वैल्यू क्या होगी, नहीं, इट विल बी द, अभी 0 है, राइट, वाई 1 अभी 0 है, बट होनी क्या चाहिए, फर्स्ट सिमुलेशन का एवरेज, तो मीन ऑफ क्या S1 1, राइट, सेकंड क्या होगा S1 का 2 की 1:2, S1 के पहले 2 चाहिए ना, केवल सेकंड नहीं है, फर्स्ट और सेकंड का मीन चाहिए, बताओ हाँ कि ना, यहां तक क्लियर है, ठीक है, ऐसे डॉट 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 क्या होगा 100 में, क्या होगा बताओ, मतलब बीच में और सारे आएंगे, 1:100 हो जाएगा, दिस विल गो ऑन टिल व्हाट 2000 तक जाएगा ये, हाँ कि ना बताओ, और क्यों, जस्ट बिकॉज सारे एक ही फॉर्म में रहे, क्या मैं इसको 1:1 भी लिख सकता हूँ, राइट, सो दैट एवरीथिंग इज जनरलाइज्ड, राइट, यस और नो, मुझे क्या करना पड़ेगा, 2000 लाइन्स ऑफ कोड लिखने पड़ेंगे अगर मुझे इस तरीके से करना है तो, इन प्रोग्रामिंग आई विल ट्राई टू फाइंड अ वे टू डू इट इन 3 लाइन्स ऑफ कोड, ओके, एंड दैट मेथड विल यूज इज कॉल्ड यूजिंग अ फॉर लूप। नहीं हो पाएगा, सो दैट इज नॉट हाउ आर विल अंडरस्टैंड इंडेक्सिंग, वो सबके लिए वो नहीं करेगा, आप ऐसा ही कह रहे हो ना कि एक्स को कर दो कि एक्स 1:2000 है और हाँ, एंड फिर कह दो कि वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू मीन ऑफ S1 ऑफ 1:x, राइट, सेइंग समथिंग, सो आर वोंट रिकॉग्नाइज योर दैट एक्स टू बी अ रेंज विद इन दैट इंडेक्सेशन, ठीक है, वो वैसे काम नहीं करेगा, सो अपने को इसको करने का एक डायनेमिक वे तरीका खोजना है, ठीक है, दैट्स वेयर लूपिंग कम्स इन प्लेस, वेयर यू कैन एग्जीक्यूट
द सेम लाइन ऑफ कोड अगेन एंड अगेन. ठीक है, अब देखना मैं ये कैसे करूंगा. व्हेन आई वांट टू रन द सेम लाइन ऑफ कोड अगेन एंड अगेन, आई विल मेक माय जनरलाइज्ड वेरिएबल, द लूपिंग वेरिएबल जो यहाँ पे है, दैट आई. तो इसको करने का सबसे पहला क्या है, जस्ट टाइप फॉर एंड हिट टैब करो, फॉर लिख के बस टैब एंटर करो, तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा. आया, करो साथ साथ में, करो फॉर पे क्लिक करके ड्रॉप डाउन आने दो और फिर टैब पे हिट कर दो. स्ट्रक्चर आया, हाँ रुको, फॉर लिखो, केवल फॉर लिखो एक बार, ड्रॉप डाउन आया, टैब हिट करो, वेरिएबल इन वेक्टर आया, अपने एक जनरलाइज वेरिएबल आई बना लेते हैं. ठीक है, आई सोचो कोई अगर जनरलाइज वेरिएबल है वो किस रेंज में जानी चाहिए, 1 to 2000 अपने केस में. ठीक है, आई फर्स्ट 0 नंबर्स तो ले नहीं सकते हो, तो 1 to 2000. ठीक है, अब मैं देखूं, देखो ना मैं इसको कैसे जनरलाइज कर रहा हूँ. देखो मैं कोई भी एक लाइन को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और ये आई और ये आई. ठीक है, तो पहली बार क्या होगा, वाई वन इक्वल्स मीन ऑफ एस वन, 1:1. एग्जैक्टली. फिर दूसरी बार क्या होगा, वाई टू इक्वल्स मीन ऑफ एस वन, 1:2. तो लूपिंग में क्या हो रहा है, आई विल टेक ऑल वैल्यूज इन द रेंज जो मैंने यहाँ डिफाइन किया. ठीक है, 1:2000. सबको क्लियर है ना ये लूपिंग, ये लूपिंग क्लियर है ना. अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आगे बहुत काम आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट. रन कर लो ये. हाँ और कैसे करोगे बताओ, मीन ऑफ मीन बट किसका, उसको क्या पता किस चीज का मीन निकालना है. अच्छा 1 to i, जैसे 1 to 100 है, इसमें क्या वैल्यूज होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100. 1 to i, जब i 100 है तो ये होगा ना, क्या मुझे 1 to 100 का मीन निकालना है. नहीं, मुझे पहले 100 एलिमेंट ऑफ S1 का मीन निकालना है, फर्स्ट आई सिमुलेशंस का मीन निकालना है ना, इसलिए S1 में इंडेक्स लगा रहा हूं ना. समझ में आया ना, क्लियर, ऑल गुड. इज दिस द फाइनल आंसर? नो, वी हैव टू प्लॉट, राइट, दैट इज द फाइनल आंसर. प्लॉट मीन ऑफ फर्स्ट आई सिमुलेशंस अगेंस्ट आई. ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, 1 to 2000. तो आई एम सेइंग 1 to 2000, कॉमा वाई, वाई है अपना मीन ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट आई सिमुलेशंस, राइट, यस और नो? या लेट्स लेबल एक्सिस, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ सिमुलेशंस, वाई लैब इज व्हाट, मीन ऑफ फर्स्ट आई सिमुलेशंस. And mean is sorry. क्या दिक्कत आ रहा है यार बताओ, हो गया शॉर्ट, हो गया लुक एट द नेक्स्ट. ये सही है प्लॉट, क्या दिक्कत आ रहा है, सही है, एवरीवन इज गेटिंग दिस प्लॉट, आराम से कर लो. ठीक है ना, अच्छा डिफर, आपने प्लॉट ऑफ व्हाट कॉमा व्हाट लिखा है. अच्छा वाई को ऊपर कैसे डिफाइन किया, वाई व्हाट, वाई इज इक्वल टू 0, 2000 किया कि 2000 किया.
अच्छा एनवायरनमेंट में एक बार देखो वाई कैसे डिफाइंड है, वन है क्या? अच्छा फॉर में आई इन 1:2000 किया कि 0:2000 किया? श्योर एक बार कोड दिखाओ, दैट्स सरप्राइजिंग। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? हाँ एक बार रन कर लोगे तो हो गया, हो गया। बढ़िया 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 बढ़िया, फिर भी यही आ रहा है, दिखाओ। सही है, वाई अभी 1:2000 ये दिन क्या दिक्कत है? एंड एक्स इज व्हाट यूज 1:2000 है, दिस फाइन। गिव मी अ मोमेंट, ओके। If you have done this, move on to the next part. देखो इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है, दिस इज नॉट अ फाइनल ग्राफ। एक मिनट देना, ठीक है? अब बैठ जाओ। सही तो है यार, लेट्स हैव अ लुक आफ्टर दी क्लास एक बार इसको, ठीक है? देखता हूँ मैं, ये देखते हैं, ठीक है? दैट्स समथिंग फिशी हैपनिंग देयर, देखेंगे उसको। अच्छा नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, हैव अ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट आर दे सेइंग? ऐड अ हॉरिजॉन्टल लाइन शोइंग द ट्रू मीन टू कंपेयर। व्हाट इज द ट्रू मीन? थ्योरेटिकल मीन व्हिच इज व्हाट? एनपी यहाँ पे क्या मीन? पॉइजन है ना, पॉइजन में लैम्डा होता है मीन, है ना? तो अपने को क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है जिसका वाई कोऑर्डिनेट 2 है ना? ओवर प्लॉट के लिए अभी तक कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, लाइंस या ए बी लाइन? लाइंस जब एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, और ए बी लाइन जब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है? अपने को अभी कैसा करना है, हॉरिजॉन्टल है ना, क्योंकि वाई एक्सिस दिया गया, तो ए बी लाइन का बहुत सही है। अगर एच इक्वल समथिंग करोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देगा, वी इक्वल समथिंग करोगे तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देगा, ठीक है? मतलब अगर मैं एच इक्वल्स 2 करूंगा तो देखो वट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, है ना? अगर वी इक्वल्स करता तो वर्टिकल कर देता, ठीक है? थोड़ा इसको डिफरेंट कर देता हूँ, कलर इक्वल्स रेड, एल डब्ल्यू डी इक्वल्स 2, सो एल डब्ल्यू डी चेंजेस द विथ ऑफ द लाइन, ओके, थिकन्स द लाइन, राइट? सो देखो बिकम्स मोर लेजिबल, राइट? आई चूज एल टी वाई 2, एल टी वाई 2 होता है बेसिकली, इट मेक्स द लाइन डैश्ड, ओके? आई डू अ प्लॉट एन ए बी लाइन, देखो लाइन डैश लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है? लाइन टाइप विच चेंजेस द लाइन टू डैश्ड, श्योर केविन? आई विल एक्सप्लेन एल डब्ल्यू डी एंड लाइन टाइप। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, अपने जब स्ट्रेट लाइंस की बात करते थे क्लास 11-12 में, हो गया क्या? ओ ठीक है, कोई नहीं, कूल, समझ गया समझ गया, ठीक है। व्हाट वाज आई सेइंग, व्हाट वाज आई सेइंग, लाइंस। हाँ तो लाइन ए बी लाइन में आप ए और बी आप दो आर्गुमेंट देख रहे होंगे वहां पे, ठीक है?
लेट्स गो बैक टू क्लास 11 एंड 12, वहां पे पढ़ते थे वाई इक्वल्स एमएक्स प्लस सी, फॉर स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन होता था ना, वाई इक्वल स्लोप इन टू एक्स प्लस इंटरसेप्ट, तो वहां पे ए और बी आपका इंटरसेप्ट और स्लोप है। स्ट्रेट लाइन या तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है या तो वर्टिकल हो सकता है, या तो ऑफ द फॉर्म वाई इक्वल्स एमएक्स प्लस सी हो सकता है ना। तो व्हेन इट इज ऑफ द फॉर्म वाई इक्वल्स एमएक्स प्लस सी, व्हेन देयर इज एन इंटरसेप्ट, व्हेन देयर इज अ स्लोप पैरामीटर, देन यू यूज दोस पैरामीटर्स। ए बी लाइन में ए कॉमा बी, ए इज आई थिंक द इंटरसेप्ट एंड बी इज द स्लोप। ओके, तो आप ए बी लाइन ऑफ ए कॉमा बी करके विथ एनी इंटरसेप्ट एंड एनी स्लोप ओवर प्लॉट कर सकते हो। ठीक है केवन, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, सो फॉर व्हाट इज एल डब्ल्यू डी एंड व्हाट इज एल टी वाई, सो आई गो टू व्हाट आई शुड गो टू, आई थिंक ए बी लाइन, लेट्स गो टू ए बी लाइन। ठीक है, लेट्स गो टू ग्राफिकल पैरामीटर्स हियर। ठीक है, इफ आई स्क्रॉल डाउन आई गेट अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ग्राफिकल पैरामीटर्स। ठीक है, अल्फाबेटिकल अरेंज्ड है, तो आई स्ट्रेट अवे जंप टू एल। यहाँ पे देखो दो आर्ग्यूमेंट्स है, एल टी वाई एंड एल डब्ल्यू डी। एल डब्ल्यू टी इज बेसिकली द लाइन विथ। ठीक है, डिफॉल्ट रहता है वन, अगर आपको अपने लाइन को और मोटा करना है, थिक बनाना है, तो लाइन विथ को बढ़ा दो, एल डब्ल्यू डी इक्वल्स 2, 3, 4 कर दो और थिक होता जाएगा। तो मैंने जब डिफॉल्ट किया तो इट वॉज लुकिंग रियली थिन, आई कुडंट मेक इट आउट कि वो डॉट मतलब बाकी के ग्राफ से क्या है, तो मैंने एल डब्ल्यू डी इक्वल्स 2 कर दिया, इट मेड अ लाइन माई थिकर। ठीक है, द सेकेंड थिंग एल टी वाई लाइन टाइप, इट चेंजेस द टाइप ऑफ द लाइन, राइट। बेसिकली पहले आप देखोगे एक सॉलिड लाइन ड्रॉ होता है, राइट, इट्स जस्ट अ स्ट्रेट सॉलिड लाइन। या आई वॉन्ट इट टू बी अ बिट मोर फैंसी, आई कैन ड्रॉ अ डैश्ड लाइन, आई कैन ड्रॉ अ डॉटेड लाइन, आई कैन ड्रॉ अ डॉट डैश्ड लाइन, वट एवर, राइट। देयर इज अ नंबर फॉर एवरीथिंग, वन डिफॉल्ट है, एल टी वाई इक्वल्स 1 करोगे तो जो पहले आता है वही होगा, टू कर दोगे तो डैश्ड हो जाएगा, 3 कर दोगे तो डॉटेड हो जाएगा, एंड सो ऑन। समझ में आया? या परफेक्ट, एवरीवन गुड विद दिस क्वेश्चन? एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स? कूल, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एक्सरसाइज देन। अच्छा, तो ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सरसाइजेस थे, अपने कंटिन्यूअस के एक्सरसाइजेस पे आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 2.11। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग विद दीज कंटिन्यूअस एक्सरसाइजेस, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में आप लोग बताओ फर्क क्या होता है? ओवर द रेंज निकलता है, राइट, सिंगल पॉइंट्स पे कुछ नहीं होता है प्रोबेबिलिटी। अच्छा, सिंगल पॉइंट पे अगर प्रोबेबिलिटी नहीं होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन एक्स और प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू एक्स एक ही होता है ना। तो एक बात बताओ, अगर मुझे जब मुझे वहां पे पी बायनॉम में ग्रेटर देन इक्वल टू 2 निकालना होता था, तो मैं ग्रेटर देन 1 करके फिर लोअर टेल फॉल्स करता था? यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे लोअर टेल फॉल्स, लोअर टेल 2। अगर लेस देन 3 भी बोलेगा तो मैं पी बायनॉम मतलब अगर 3 रहने दूंगा, मतलब बायनॉम नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, जैसे पी क्या हो सकता है, क्या पढ़ा है कंटिन्यूस में आप लोगों ने, गामा पढ़ा होगा, पी गामा रहने दूंगा, राइट, पी यूनिफ या वैसा कुछ रहने दूंगा। यस, ये समझ में आया ये फंडा? और क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, प्रोबेबिलिटी केवल 1, 2, 3, 4 पे एग्जिस्ट नहीं करती है, इट कैन एग्जिस्ट इवन एट डेसिमल पॉइंट्स, इनफैक्ट इट कैन एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट, एवरी इनफाइनाइटली स्मॉल पॉइंट बिटवीन 0, लाइक वॉट एवर इज द रेंज ऑफ एक्स, करेक्ट। तो जब मैं प्लॉट कर रहा हूँ ग्राफ्स, आई विल नॉट जस्ट चूज, अभी तक मैं क्या करता था, 0 to 10 पे प्लॉट करता था, 0 to 5 पे करता था, अब मैं क्या करूंगा, 0 to 10 के बीच में और भी पॉइंट्स लूंगा, केवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं लूंगा, ठीक है, वो कैसे और पॉइंट्स लूंगा वो मैं देख अपने देखेंगे। ठीक है, ओके, व्हाट एल्स, एनीथिंग एल्स दैट कम्स एट द टॉप ऑफ योर माइंड? एडिशन इंटीग्रेशन, हाँ वो वहां पे अपने करते थे, यहाँ पे उतना फर्क अपने को अभी नहीं पड़ेगा। ठीक है, व्हाट एल्स, यहाँ तक मेरे ख्याल से इतना ही है, और देखते हैं कुछ आएगा तो समझने की कोशिश करते हैं। इंटरक्वार्टाइल निकल सकता है, वही 0.75 माइनस 0.25 क्यू बाय वॉट एवर क्यू गामा वगैरह। ठीक है, चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 2.11, द फर्स्ट थिंग इज क्लेम्स टू अ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज 24 आवर कॉल सेंटर अकर एट द रेट ऑफ 3 per hour। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? द वेटिंग टाइम बिटवीन कॉल्स अगर अपने करना है तो वेटिंग टाइम है एक्सपोनेंशियल। पॉइजन होता है नंबर ऑफ कॉल्स, राइट, एंड एक्सपोनेंशियल होता है वेटिंग टाइम बिटवीन कॉल्स, उसी टाइम फ्रेम का, उसी इंटरवल रेट का वेटिंग टाइम बिटवीन कॉल्स। तो अपने को दे दिया गया, इट फॉलोज एक्सपोनेंशियल विद लैम्डा इक्वल्स 3। तो चलो लैम्डा 3 स्टोर कर लो, व्हाट एक्सरसाइज 2 पॉइंट, क्या दिक्कत है बताओ? सही है,
सो यहाँ पे इट इज लैम्डा इक्वल्स व्हाट, 3, आई एम जस्ट स्टोरिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा. ओके चलो, सॉरी, कैलकुलेट द पीडीएफ व्हेन एक्स इक्वल्स टू फ्रॉम स्क्रैच. टेल मी व्हाट्स द पीडीएफ ऑफ दिस लैम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग अ लुक एट योर. पीडीएफ क्या पढ़ा था, मैं ओवरव्यू दे दूंगा. पीडीएफ क्या होता था, राइट, वो होता था थ्योरेटिकल, और वो डीएक्स आप सही बोल रहे हो, ठीक है. अच्छा, ओवरव्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल इज पॉइजन. अभी तक क्या पढ़ा था, पॉइजन क्या होता है, अराइवल रेट, कि कितने एक टाइम फ्रेम में 30 मिनट में कितने कॉल आ रहे हैं, ठीक है, वो पढ़ा था. अब अगर यही मैं कह दूं कि हर कॉल के बीच में कितने मिनट का गैप है, हर कॉल के बीच में, दो कॉल के बीच में कितने मिनट का गैप है, अगर वो रैंडम वेरिएबल हो जाए ना उसी इवेंट का, तो वो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, ठीक है, एन एक्सपोनेंशियल विद द सेम पैरामीटर. अगर हर 30, अगर हर 1 घंटे में, ठीक है, 3 कॉल आ रहे थे, ठीक है, तो पॉइजन 3 होता, नंबर ऑफ कॉल्स का डिस्ट्रीब्यूशन. अगर रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ कॉल्स पर आवर है तो एक्स फॉलोड पॉइजन 3. अगर अब मैं यही कहूं वेटिंग टाइम और द टाइम बिटवीन 2 कॉल्स, ठीक है, तो वही को फॉलो करेगा एक्सपोनेंशियल 3, ठीक है, ठीक है. तो पॉइजन क्या है, इवेंट रेट, ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट्स पर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, और एक्सपोनेंशियल क्या है, वेटिंग टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव इवेंट्स. समझ गए, ठीक है. अगर इवेंट रेट फॉलोज पॉइजन, वेटिंग टाइम बिटवीन 2 इवेंट्स फॉलोज एक्सपोनेंशियल विद द सेम पैरामीटर. ऑल गुड. चलो, तो लैम्डा ई टू डी पावर माइनस लैम्डा एक्स कहा था ना आपने, कर लेते हैं. तो लैम्डा इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा इंटू किस पॉइंट पे निकालना है, 2 पे निकालना है, ठीक है. क्या ये प्रोबेबिलिटी है, क्या ये प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू है, यस और नो, सोचो, इज दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू. इज दिस, आई एम आस्किंग, इज दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज, आई एम आस्किंग इफ इट इज. हाँ, कंटिन्यूअस पे एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी भी नहीं निकल सकती, कुछ नहीं है ये बस इट इज द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू. इट इज नॉट प्रोबेबिलिटी, इट इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, इट इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, इट इज जस्ट द प्रोबेबिलिटी, सॉरी, इट इज जस्ट द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू. मतलब उससे मतलब नहीं है, बस बस है मतलब, ठीक है, इट इज नॉट एनी प्रॉबिलिटी, ठीक है. प्रॉबिलिटीज अपने निकलेगी पी एक्स क्यू एक्स पी एक्स पे निकलेगी प्रॉबिलिटी तो केवल, है ना, क्यू एक्स पे तो एक्स की वैल्यू निकलती है, राइट, पी एक्स पे प्रॉबिलिटी निकलेगी, बट डी एक्स पे या फिर ये लैम्डा ई टू डी पावर माइनस लैम्डा एक्स, इट इज नॉट प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इट इज जस्ट द वैल्यू ऑफ द पीडीएफ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू. इसलिए क्या लिखा है वहां पे, कैलकुलेट द पीडीएफ व्हेन एक्स इक्वल्स टू, आई हैव नॉट सेड नाउ कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द वेटिंग टाइम इज 2 आवर्स. समझे, तो क्वेश्चन का वर्डिंग चेंज हुआ कि नहीं हुआ, चेंज हुआ, समझ गए. कौन सा फंक्शन यूज करोगे, आर में इनबिल्ट फंक्शन यही निकालने के लिए, डी एक्स एक्स पे, ठीक है, 2, L, ओके. सेम ही है ना, क्योंकि वो वही कैलकुलेट करता है, ठीक है. पार्ट 2 पे आते हैं, ड्रॉ लेबल ग्राफ डीएक्स, ठीक है. अब इसमें समझने का ये है कि दो आर्गुमेंट है, ठीक है, एक है किस पॉइंट पे आपको पीडीएफ का वैल्यू निकालना है, और दूसरा अपना पैरामीटर क्या है, विच इज लैम्डा, ठीक है, एक्स कॉमा रेट, ओके. रेट इज वेक्टर ऑफ रेट्स, यहाँ पे उन्होंने भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, बेसिकली इट इज द लैम्डा ऑफ योर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड एक्स इज द पॉइंट एट विच यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द पीडीएफ का फंक्शन का वैल्यू, ठीक है, परफेक्ट. हाँ, डी पी क्यू आर, तो डी है पीडीएफ वाला,
ओके, ड्रॉ लेबल ग्राफ ऑफ द पीडीएफ फॉर दिस एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द रेंज एक्स फॉलो एक्स 0 to 6। अच्छा, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स का रेंज क्या होता है जनरली? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्स? 0 to infinity होता है ना, तो 0 to infinity ड्रॉ करना फीजिबल नहीं है यूजुअली, आपको इसलिए क्वेश्चन में रेंज दे देंगे। ठीक है, किस रेंज के ऊपर बनाओ? वहां पे रेंज नहीं देते थे ना, यूजुअली नहीं देते थे, इसलिए यहाँ पे ये दे रहे हैं। ठीक है, ओके। क्या होगा रेंज अपना एक्स, क्या कैसे डिफाइन करूं मैं? 0 to 6 में केवल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएगा। मैं मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे और भी पॉइंट्स चाहिए। कौन सा फंक्शन होगा ऐसा? सीक्वेंस में कर सकते हैं, 0 से लेके 6, बाय में 0.01 दे देता हूं, तो अपने आप 601 नंबर हो जाएंगे। सो द सीक्वेंस फंक्शन इज, आप स्टार्टिंग पॉइंट देते हो, आप एंडिंग पॉइंट देते हो, और आपको हर कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में उस सीक्वेंस में क्या डिफरेंस चाहिए वो देते हो। तो 0, 0.01, 0.02, 0.03, ऐसे करके वो 6 तक अपने आप बना देगा अपने लिए। सो विल हैव अ लॉन्ग वेक्टर ऑफ एक्स इज नॉट, आई डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। या बताओ हाँ कि ना? ठीक है, फॉर ईच ऑफ दीज वैल्यूज व्हाट इज वाई? पीडीएफ का वैल्यू क्या होगा? डीएक्स ऑफ एक्स कॉमा एल, यही करना है ना, लेबल ग्राफ ऑफ द पीडीएफ। या और जब प्लॉट करूंगा, प्लॉट ऑफ एक्स कॉमा वाई कर दूंगा। देख लो, टाइप क्या करोगे इसमें? उन्होंने कुछ क्वेश्चन में कहा है क्या? कुछ क्वेश्चन में नहीं कहा है उन्होंने। तो कंटिन्यूअस का जब पीडीएफ कर रहे हो ना, यूजुअली लाइन ग्राफ बना दो। ठीक है, एक स्मूथ लाइन जैसा तो होएगा ही ना, तो अपने इसको टाइप इक्वल्स एल कर देंगे। सो मेक इट अ हैबिट, कंटिन्यूअस का पीडीएफ के लिए एल टाइप दिखा दो। ठीक है, लेट्स लेबल आर एक्स। एक्स क्या है? वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम इन आवर्स। या वाई लैब इज व्हाट? पीडीएफ। एंड मेन इज वॉट? पीडीएफ ऑफ एक्सपोनेंशियल, क्या था? 3 था आई गेस। आज कल के मुकाबले 2 लोग मिसिंग है ना क्लास में? कल 2 और लोग आए थे ना? हाँ, जिसका डाउनलोड नहीं हुआ। 2 लोग मिसिंग है ना? किसी को पता है सेम कॉलेज से कोई? नहीं। ओके सही है, कोई भी दिक्कत यहां तक बताओ, ऑल गुड। ओके, नाउ देयर आर 2 मोर वेज ऑफ प्लॉटिंग द सेम ग्राफ। ओके, दे वांट अस टू लर्न इट। ठीक है, इट इज अ गुड टू नो थिंग, बट आई वोंट टच अपॉन इट राइट नाउ। ठीक है, आई विल कम बैक टू इट व्हेन वी आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, जब एक बार अच्छे से फ्लुएंट हो जाए, जैसे अपने डिस्क्रीट के साथ हो गए ना, आई विल कम बैक टू दोस टू अदर वेज ऑफ प्लॉटिंग इट। आई डोंट वॉन्ट अस टू गेट कन्फ्यूज बिकॉज ऑफ दैट। ओके, वही पार्ट बी एंड पार्ट सी है। हमने क्या किया? यूजिंग आवर स्टैंडर्ड प्लॉटिंग फंक्शन किया। वो कह रहे हैं 2 और एक्सॉटिक चीजें यूज करो और उससे करो, अपने उस पर भी ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, विल कम बैक टू इट आफ्टरवर्ड्स। कूल, व्हाट एल्स? दे सेइंग एड द फॉलोइंग टू वन ऑफ योर ग्राफ्स फ्रॉम पार्ट 2, अ रेड डॉटेड लाइन शोइंग द पीडीएफ ऑफ एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद लैम्डा इक्वल 6। तो उसी ग्राफ पे ओवर प्लॉट करना है ना? कौन सा फंक्शन? लाइन्स है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं करना है, कर्वी लाइन करना है। तो लाइंस फंक्शन यूज करेंगे, फिर एक ग्रीन डैश लाइन शोइंग द पीडीएफ ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद लैम्डा 1 = 5। कलर चेंज करना है, लाइन टाइप चेंज करना है, लैम्डा चेंज करना है, राइट? सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट वी वांट टू चेंज। एक और चीज चेंज होगा, पीडीएफ ऑफ एक्सपोनेंशियल लैम्डा कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि नाउ दिस इज नो लॉन्गर द ग्राफ ऑफ जस्ट एक्सपोनेंशियल 3, राइट? एंड देन आई विल यूज द लाइंस फंक्शन, राइट? सो लेट्स यूज द लाइंस फंक्शन नाउ। सो लाइन्स ऑफ वॉट वॉट? एक्स कॉमा वाई क्या होगा यहाँ पे? एक्स डीएक्स, एक्स कॉमा एल क्या है यहाँ पे? अलग हो गया ना, 6 हो गया। ठीक है, ये होगा हाँ कि ना? मैं डायरेक्ट वाई वापस वापस डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है,
वॉट एल्स, मुझे उन्होंने कलर क्या कहा है, रेड, ठीक है, या लाइन टाइप क्या कहा है, तो लाइन टाइप डॉटेड देखो क्या होता है, हेल्प में जाके, एल डब्ल्यू डी से तो विथ होता है, एल टी वाई होता है, बट डॉटेड इज 3, ठीक है। आई लर्न दिस वे, जनरली ये लोग स्पेसिफिकली डैश डॉटेड पूछते हैं, अल्फाबेटिकल है, DA2 DO3, ठीक है। तो एल टी वाई क्या होगा डॉटेड के लिए, बताओ, 3, हाँ 2-3 डॉटेड, ठीक है, आ गया। आपने सीक्वेंस क्या लिया, 0.01 लिया, एक्स ग्लोबल एनवायरनमेंट में देखो क्या है, 12601 है, क्या है, तो वो एक्स एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वापस एग्जीक्यूट कर, हाँ इसलिए, सीक्वेंस में 2 कॉमा है, बीच में कुछ और आ गया होगा, देखो 0,6,0.01 होना चाहिए, कॉलन लगा दिया होगा, ठीक है, देख लो तीनों, यहाँ तक कर लो अच्छे से, फिर बताना, फिर एक और नया फंक्शन सीखना। RL दोनों लाइन, डॉटेड डैश का फंडा समझ में आया, कलर का समझ में आया, अच्छा नाउ सोचो आपने ये पेन एंड पेपर पे किया है, क्या करते हैं इस पे और इस ग्राफ पे, लेजेंड बनाते हैं, ऐसे एक ब्लैक लाइन बनाते हैं, बोलते हैं लैम्डा इक्वल्स 3, एक रेड डॉटेड बनाते हैं, बोलते हैं लैम्डा इक्वल्स 6, एक डैश ग्रीन बनाते हैं, बोलते हैं लैम्डा इक्वल्स 1.5, वो लेजेंड बनाते हैं, वो लेजेंड बनाना सीखेंगे अब, ठीक है। तो अब लेजेंड बनाने के लिए फंक्शन का नाम बहुत इजी है, लेजेंड है, ठीक है, बट जितना फंक्शन इजी का नाम है, इजी है, अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, बिकॉज यू आर पासिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, यू आर पासिंग 3 कलर्स, यू आर पासिंग तीनों के लाइन टाइप्स, राइट, यू आर ऑल्सो पासिंग, अब लेजेंड कहाँ पे बनाना है ये आर को क्या पता, ठीक है, आपको यहाँ पे इंट्यूटिव है कि हाँ ठीक है यहाँ पे टॉप राइट में बना दो क्योंकि आपको जगह दिख रही है, उस इट्स नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट द एंड ऑफ डे, राइट, तो उसको आपको पोजीशन भी बताना होगा, व्हाट एल्स, उसको बताना होगा कि हर लाइन के बाजू में क्या लिखना है ना, इस लाइन के बाजू में लैम्डा इक्वल्स दिस, इस लाइन के बाजू में लैम्डा इक्वल्स दिस, इस लाइन के बाजू में लैम्डा इक्वल्स दिस, आप चाहो तो हर लेजेंड के ऊपर भी एक छोटा सा टाइटल दे सकते हो, ठीक है, जैसे इस पूरा ग्राफ का एक टाइटल है पीडीएफ ऑफ एक्सपोनेंशियल लैम्डा, लेजेंड का भी एक टाइटल दे सकते हो कि लेजेंड क्या चीज क्या बता रहा है आपको, ठीक है, चलो कोशिश करते हैं, फंक्शन लेजेंड है, द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज द पोजिशन ऑफ द लेजेंड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टॉप, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, ठीक है, सो दीज कैन बी योर पोजिशंस, अपने में कौन सा सबसे ज्यादा सूटेबल लग रहा है, टॉप राइट, टॉप राइट एकदम खाली है तो मैं टॉप राइट लिख दूंगा, सॉरी टॉप राइट, ठीक है, दैट्स अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। इसके बाद कोई लाइक देयर इज नो सेट रूल कि ये आर्ग्यूमेंट ये है, ये आर्ग्यूमेंट ये है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी ऑर्डर में, मतलब कौन सा आर्ग्यूमेंट पहले लिखना है, कौन सा आर्ग्यूमेंट बाद में लिखना है, वो नहीं है क्योंकि अपने आर्ग्यूमेंट का नाम स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है, फिर मैं दे रहा हूँ टाइटल जो मेरा लेजेंड का टाइटल रहेगा, ओके, मैं लेजेंड में क्या देने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू ऑफ लैम्डा, तीनों में क्या चेंज हो रहा है, लैम्डा की वैल्यू चेंज हो रही है, तो मैं बोल देता हूँ वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, लिख लो यहां तक कर लो, स्टेप
हाँ लिख सकते हो, मैं बस प्रेफर करता हूँ सो दैट हाँ पढ़ने में इजी होता है, और मैं स्क्रीन इतना नहीं कर सकता क्योंकि आई हैव टू कीप इट ब्रॉड इनफ। सही है यहाँ तक, कोई भी दिक्कत? या सो टाइटल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ लैम्डा, ओके व्हाट एल्स? अब आप एक फंक्शन यूज करोगे लेजेंड के अंदर, लेजेंड फंक्शन मतलब आर्ग्यूमेंट, जिसमें आप दे रहे हो बेसिकली द लेबल्स कि तीनों जो तीन लाइन बनेंगी ठीक है उसका क्या लेबल होगा, हर लाइन के बाजू में क्या लिखा हुआ रहेगा, ठीक है क्या लिखा हुआ रहेगा? तो लैम्डा इक्वल्स पहले में क्या होगा? टू है ना, दूसरे में क्या होगा? एल इक्वल सिक्स, तीसरे में क्या होगा? 0.5, ठीक है। तो ये एक वेक्टर, एक स्ट्रिंग वेक्टर बन रहा है जिसमें तीनों कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज मैंने लिख दी हैं, ठीक है? यस और नो? या अच्छा, अब आर को पता है क्या? आपने पहला पहले ये ग्राफ बनाया, बाद में रेड वाला ग्राफ बनाया, बाद में ग्रीन वाला ग्राफ बनाया, इज इट स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट? होना तो बहुत कुछ चाहिए बट नहीं है उतना, ठीक है? तो वो उतना स्मार्ट नहीं है। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन यू स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ द कलर्स नेक्स्ट, ठीक है? अपने कलर भी अगला स्पेसिफाई करेंगे, लाइन टाइप भी स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है? सो इट शुड बी इन द सेम ऑर्डर इन विच यू हैव गिवन दीज लेबल्स। पहले एल इक्वल्स टू का कलर, फिर एल इक्वल्स सिक्स का कलर, फिर एल इक्वल्स 1.5 का कलर। पहले लाइन टाइप एल इक्वल्स टू का, फिर एल इक्वल सिक्स का, फिर एल इक्वल्स 1.5 का। देखो कैसे करते हैं, एक और आर्ग्यूमेंट देंगे कलर सी ओ एल इक्वल्स, ठीक है? वापस सी के अंदर, क्योंकि मल्टीपल देने हैं, क्या क्या रहेगा? पहले क्या रहेगा? ब्लैक, राइट? फिर क्या रहेगा? रेड। लास्ट में क्या रहेगा? ग्रीन, ठीक है? उसी ऑर्डर में लास्ट में क्या होगा? एक और आर्ग्यूमेंट कौन सा देंगे? एल टी वाई इक्वल सी के अंदर। एल टी वाई न्यूमेरिक आर्ग्यूमेंट है कि स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट? न्यूमेरिक, तो यहाँ पे न्यूमेरिक बनाएंगे, कोट्स के अंदर नहीं रखेंगे। वन पहला वाला वन होगा ना, डिफॉल्ट वन होता है, फिर थ्री, फिर टू, तो 1,3,2। ऊपर आओ, वापस रन करो, देखो यहाँ आ जाएगा। या केवन? सर जो लेजेंड फंक्शन का फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है टॉप राइट, राइट, सो सर दैट इज द पोजीशन ऑफ द लेजेंड इन द ग्राफ। करेक्ट, एग्जैक्टली। सो सर इफ फॉर एग्जांपल वी राइट सेंटर सो इट विल प्लेस यार द मैंने सेंटर ट्राई नहीं किया, मैंने टॉप टॉप राइट, टॉप बॉटम लेफ्ट, बॉटम बॉटम राइट, ये सारे ट्राई किए हैं। हो सकता है सेंटर भी एग्जिस्ट करता हो, आई हैव टू चेक, मतलब आई कैन क्विकली डू अ चेक एंड टेल यू कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है? ओके सर, यस सर, थैंक यू। समझ में आया सबको? कोई भी दिक्कत? सर हाँ सर ये आपने जो सेकेंड टाइम लेजेंड फंक्शन यूज किया है हाँ वो हाँ वाला आप हाँ समझा सकते हो? हाँ तो अच्छा एक बात बताओ, आपको जब लेजेंड आप प्लॉट करते हो खुद पेन एंड पेपर पे कर रहे हो, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? आपको ये चाहिए कि कौन सा लाइन क्या लैम्डा के लिए है, हाँ कि ना बताओ। हाँ सर, तो आप क्या करोगे, आप ग्राफ पे जाओगे, लिखोगे कि ब्लैक लाइन लैम्डा इक्वल्स टू, रेड डॉटेड लैम्डा इक्वल्स सिक्स, ग्रीन लाइन बनाओगे लैम्डा इक्वल्स 1.5, करोगे ना ऐसा? हाँ सर, तो अपने कलर और एल टी वाई तो चलो दे दिया, ठीक है? कलर और एल टी वाई के थ्रू अपने को ये भी देना पड़ेगा कि हर लाइन के बाजू में लिखा क्या होना चाहिए, है ना? हाँ सर, तो हाँ, उसके लिए ये लेजेंड आर्ग्यूमेंट है, ओके, सर, ठीक है? ओके केवन, आई जस्ट डिड अ क्विक सर्च एंड द थिंग्स दैट आर अलाउड आर व्हाट। हाँ तो ओवर प्लॉटिंग है, तो वापस प्लॉट करो और फिर वापस लेजेंड कर लो, ठीक है? सो सेंटर इज ऑल्सो देयर राइट? आई थिंक जो मैं कह रहा था उसके अलावा सेंटर ही एक और है, सी एन टी ई आर से हो जाएगा, ठीक है? चैट जीपीटी। हाँ, तो एक काम करो, ग्राफ वाले विंडो को अच्छे से पहले बड़ा करो, पहले बड़ा करो और फिर प्लॉट और वापस करो।
फिर प्लॉट और लेजेंड वापस करो। तो द थिंग अबाउट लेजेंड इज, जब आप टॉप राइट या टॉप लेफ्ट या कुछ भी लिखते हो, इट नोज द नंबर ऑफ पिक्सल्स इट विल ऑक्यूपाई ऑन अ स्क्रीन। पीपल हु आर गुड विद हार्डवेयर, इट नोज द नंबर ऑफ पिक्सल्स इट विल ऑक्यूपाई ऑन द स्क्रीन। तो अगर आप छोटा करके रखे हो, वो उतना ही पिक्सल ऑक्यूपाई करेगा नेवरदलेस फोटोग्राफ साइजेस। ओके, सो इंक्रीज द साइज ऑफ योर प्लॉट विंडो बिफोर यू एग्जीक्यूट द लेजेंड फंक्शन। ओके, ऑल गुड, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, कोई दिक्कत बताओ। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं फिर। 4 मिनट बाकी है, हो जाएगा 4 मिनट में, ये हो जाएगा ये एक्सरसाइज 4 मिनट में, देख लेता हूँ क्या है। देखो, पीडीएफ ऑफ एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट द मोर देन हाफ आवर लेस देन 3 आवर्स बिटवीन 9। कौन सा फंक्शन यूज करोगे पीडीएफ ऑफ एक्सपोनेंशियल के लिए? पीएक्स कर लो, मोर देन हाफ एन आवर। याद रखना लैम्डा किस टर्म्स में, लैम्डा की यूनिट क्या है? टू वॉट, 3 पर आवर है ना। तो मोर देन हाफ बोल रहे हैं, तो मोर देन क्या करोगे? मोर देन 0.5 कर लो। एक्सरसाइज व्हाट, 2.12 करो करो, क्या होगा? पी एक्स राइट ग्रेटर देन व्हाट, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0.5। सो 0.5 कॉमा एल, या यही है क्या आंसर? गलत नहीं है ये आंसर? लोअर टेल फॉल्स करना होगा ना, ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी है। पी एक्स बाय डिफॉल्ट लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है ना आपके लिए। हाँ हाँ इसका 1 माइनस भी कर सकते हो, या फिर एल मैंने पहले से डिफाइन करके रखा है, एनवायरमेंट में ऑलरेडी स्टोर्ड है। ठीक है, आप चाहो तो वापस डिफाइन कर ही सकते हो। इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप हर एक्सरसाइज के शुरू में डिफाइन करो, दैट्स ट्रू। या फिर आप 1 माइनस PX कर सकते हो, विल गेट द सेम आंसर। या व्हाट एल्स, लेस देन 3 क्या करोगे? कौन सा फंक्शन? अच्छा, यहाँ पे मैं दिमाग लगाऊंगा कि लेस देन है कि लेस देन इक्वल टू है, नहीं क्योंकि कंटिन्यूअस है, राइट? सो पी एक्स ऑफ 3 कॉमा एल अपना आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट देखो, बिटवीन 90 एंड 150। ये थोड़ा सा मतलब ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन डू इट, बट बताओ मैं क्या लिखूं? व्हाट लेस देन एक्स, व्हाट लेस देन क्यों 1.5, 90 50 क्यों नहीं लिखूं? मिनट्स है वो। ठीक है, तो 90 को मैं लिखूंगा 1.5 और इसको लिखूंगा 2.5। बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे अब, क्या क्या माइनस करोगे बताओ? कॉमा एल, परफेक्ट। ठीक है, और फाइनली क्या है? लेबल CDF कर लो, लेबल CDF भी। एक्स का रेंज ये दिया, कैसे डिफाइन करोगे एक्स को? कौन सा फंक्शन? 0 to 5 है, तो कौन सा फंक्शन से एक्स में डिफाइन करूंगा? सीक्वेंस। हाँ तो हाँ, 0 to 5, 0.01। तो 0 से कॉलम में ले सकते हैं ना, 5 का तो केवल 0 1 2 3 4 5 आएगा। हाँ कंटिन्यूअस है ना। ठीक है, प्लॉट ऑफ x, px, x, l टाइप इक्वल्स, यहाँ पे l ही बनाऊंगा, यहाँ पे स्टेप की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, एक्स लैब क्या है अपना यहाँ पे? वेटिंग टाइम एनहांस, एक्सपोनेंशियल क्या था? 3 था, देख लो। कोई भी दिक्कत है तो बताओ। पहले के सबकी प्रॉबिलिटीज मैच कर रही थी ना, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है किसी को? एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या? नहीं, कोई नहीं, बट है यही चीज क्यू आर। ठीक है, डी एक्स किया, पी एक्स किया, क्यू एक्स और आर एक्स पे, उसके बाद गामा आएगा, उसके बाद जो जो भी मतलब जितने भी वहां पे कंटिन्यूअस पढ़े थे सब यहाँ आएंगे वापस। ठीक है,
पीपल ऑन द कॉल एनी क्वेश्चन? सॉरी आई थिंक आई मिस्ड द चैट. नो आई डिडंट. चलो कोई भी दिक्कत है बताओ. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स बताओ. किसी को कोई दिक्कत आ रहा है यार? नहीं हो गया सबका? आपने टैब किया था क्या? आई डोंट नो. ओ अच्छा हाँ. तो एक्चुअली थिंग इज नाउ इन आर व्हाट हैपेंस इज, जैसे आप एक्स एल ए भी करोगे ना मोस्ट प्रॉबली चल जाए. तो क्या देखता है एक्स एल ए से बिगनिंग कितने आर्गुमेंट्स पॉसिबल है ना. अगर एक ही मिला तो जानता है कि आपने एक्स लाई लिखा होगा. ठीक है, तो मैं से फॉर एग्जाम्पल एक्स लाई करूं तभी एग्जीक्यूट हो गया बिकॉज एक्स लाई बिगनिंग एक ही आर्गुमेंट है. बट इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. आई वुड सजेस्ट कि पूरा पूरा लिखो. ठीक है, एनी क्वेश्चंस? चलो कूल. किसी को कोई दिक्कत था क्लास के बीच में? वो हो गया था सॉर्ट? कूल, बढ़िया. Cool, then I'll close the class for today. If you have no doubts, thank you everyone.